के सबसे बड़े प्रदेश के उस विधानसभा के जिसके सबसे ज्यादा सदस्य हैं, मुझे खुशी है कि आप आज इस पद पर बैठे हैं। मैं अपनी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से और जितने भी हमारे विपक्ष के नेता हैं उनकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। नेता सदन ने बहुत सी चीजें विस्तार से आप रखी हैं, मैं अपने आप को भी उससे संबंध करता हूं। और वही ये लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जो परंपरा चली है, हालांकि नेता सदन ने कहा कि आपके नाम पे तो पहले से ही महान जुड़ा है, लेकिन जो इस पद से परंपरा जुड़ी हुई है और जो स्पीकर कोई बनना नहीं चाहता था, जहां से ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो हम अपना रहे हैं, कई सौ वर्ष पहले जहां कभी किसी को स्पीकर बनाया जाता था वो छिप जाया करता था, वो स्पीकर जब छिप जाता था लोग घसीट करके लाते थे, कोई स्पीकर नहीं बनना चाहता था। मैं तो बधाई दूंगा आपको, शुभकामनाएं दूंगा कि आप छिपे नहीं, और हमें और नेता सदन को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, आप सामने दिखाई दे गए हमें। और कहीं वो जमाना होता तो शायद आप उस छिप जाते। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जहां मैं बधाई देता हूं वहीं आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। समय समय पे आपके संरक्षण की जरूरत होगी हमें। आप सब सम्मति से अध्यक्ष बने हैं और ये लोकतंत्र की परंपराएं रही हैं कि सब सम्मति से ही अध्यक्ष चुना जाता है। मुझे खुशी है कि उस पद पर आप बैठे, उस पद को शोभित कर रहे हैं जहां पर माननीय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी रहे, नफीसुल हसन कभी रहे, आत्माराम गोविंद खेर से लेकर के बाबू बनारसी दास न्याज हसन आदि कई महान विभूतियों ने इस आसन पर बैठ करके अपनी निष्पक्षता और न्यायप्रियता से स्वस्थ लोकतंत्र परंपराओं का निर्वहन करते हुए संसदीय इतिहास कायम किया है। जहां आप लगातार एक क्षेत्र से जीत करके आए, ऐसे बहुत सारे कम लोग होते हैं जो लगातार एक क्षेत्र में जीतते रहे। स्वाभाविक है वही सदस्य जीतता है जो जनता के बीच में लोकप्रिय हो, जनता का उससे प्यार हो, और आप जरूर उस जनता के बीच में घुल मिल ऐसे गए होंगे जिसकी वजह से जनता ने कभी किसी दूसरे दल के प्रत्याशी के लिए देखा और आपको लगातार जिताया। 18वीं विधानसभा में आप भारी बहुमत से जीत करके आए, और ऐसे सदस्य जिनको हम पाकर के खुश हैं, जिनका बहुत बड़ा अनुभव रहा है। आप सदन में कई मौकों पर कई समितियों के सदस्य रहे हैं, जो मुझे बायोडाटा मिला है आपका, इस सदन की याचिका समिति के, विधान पुस्तकालय समिति के सदस्य रहे आप, संसदीय शोध संदर्भ एवं अध्ययन समिति में रहे, प्रतिनिहित विधायन समिति में रहे आप, लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, नियम समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और मंत्री पद पर रहते हुए आवास एवं नवगर विकास एवं औद्योगिक विकास विभागों का आपने अच्छा अनुभव, आपके पास अनुभव भी है, आप लोकप्रिय नेता भी रहे। और क्योंकि उस शहर से आप आते हैं जिस शहर ने न जाने कितनी ऊंचाई तक कारोबार होते देखा है, वो ऐसा शहर एक समय पर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था, उस शहर से आप आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी हम लोग सवाल उठाएंगे, आप अपनी ड्यूटी निभाते हुए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्पीकर की ड्यूटी है, जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि उन्हें हम सदस्यों के राइट्स को प्रोटेक्ट भी करना है। कई बार ऐसा होगा
कि जहां हमें आपकी जरूरत पड़ेगी और बिना आपके स्वस्थ लोकतंत्र नहीं चल सकता। हालांकि आप राइट साइड से आए हैं लेकिन ध्यान आपको लेफ्ट में रखना। अब आपको उन्होंने छोड़ दिया है, मुझे उम्मीद है निष्पक्ष हैं आप, और आपको अब छोड़ दिया उस स्थान पर बैठा करके। आप राइट की तरफ नहीं देखेंगे आप। अब केवल लेफ्ट की तरफ देखिए आप। और ये हाउस के वो रेफरी हैं आप, हाउस के वो रेफरी बनेंगे आप कि कभी गेम का हिस्सा मत बन जाना क्योंकि आप राइट से आए। क्योंकि ये समय उस बात का नहीं है कि नेता सदन ने जो कोरोना पे बात कही है, वो समय आएगा तो मैं कोरोना पे भी बात करूंगा। क्योंकि उस शहर से आप आए हैं जिस शहर ने कोरोना देखा था, और कैसा कोरोना देखा था उस शहर के सेविंग अकाउंट बता सकते हैं कि अगर देश में सेविंग अकाउंट से पैसा कहीं अगर सबसे ज्यादा निकाला गया था तो वो कानपुर शहर था, आपका शहर था। इसलिए वो बहस का समय नहीं है अभी। अभी तो केवल हम इतना कहना चाहते हैं विपक्ष के होने के नाते कि समय समय पे आपके संरक्षण की जरूरत पड़ेगी, और जितना आप विपक्ष को मौका देंगे उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। जितना विपक्ष बोलेगा और जितना सवाल विपक्ष उठाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा, और क्योंकि मैं भी वहां पर बैठ करके काम किया हूं कि मंत्री बड़े तैयारी के साथ आते हैं, और कई बार आप सदस्य रहे हैं आपने भी ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं वो हमारे मंत्री कई बार जवाब नहीं दे पाते थे, मुझे खड़ा होना पड़ता था। इसलिए वो अनुभव आपके पास है, उस समय आपके संरक्षण की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आज इलेक्टेड गवर्नमेंट के आप स्पीकर हैं, हम सब जनता के बीच में गए थे, उसके बाद इलेक्ट होकर के आए, और जब हम इलेक्ट होकर के आए हैं तब हमने आपको इलेक्ट सर्वसम्मति से बैठाया है। आपको उतना ध्यान देना पड़ेगा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कहीं तानाशाह गवर्नमेंट ना बन जाए। इसलिए जहां आप लगभग 35 देशों में घूम करके आए, ये बात तो मुझे पहले पता होनी चाहिए थी अध्यक्ष महोदय, ये बात तो मुझे पहले जानकारी करनी थी। आपने प्रयास नहीं किया ना। और मुझे खुशी है कि अध्यक्ष ऐसे हमारे बने हैं कि अब जब कभी विदेश यात्रा होगी तो भूलेंगे नहीं हम लोगों को। ये ना करना कि राइट वालों को बिठा करके ले जाएं आप। हालांकि राइट में कुछ ऐसे सदस्य हैं वो विदेश नहीं जाना चाहते, और सही बात है तो सही बात है, वो विदेश नहीं जाना चाहते। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, उनका नाम मालूम हो तो बताइए, शुरू से आसानी हो जाएगी आवाज। मैं बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा अध्यक्ष महोदय। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि विदेश जाने का कुछ लाभ भी है। मैं उन लाभों की बात नहीं कर रहा हूं जो कभी कभी कुछ लोग उठाते हैं सवाल। ये जो एक्सप्रेस वे की बात नेता सदन कह रहे थे, मैं यकीन से अध्यक्ष जी कह सकता हूं अगर मैं विदेश नहीं गया होता तो शायद देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे नहीं बना पाता। और मैं अगर विदेश नहीं गया होता तो शायद आपके शहर को भी मैं मेट्रो नहीं दे पाता। और जब मैंने विदेश की बड़ी बड़ी इमारतें देखी, आज तो हम ये जो इमारत जिसमें बैठी है ब्रिटिश जमाने की है, ये हमारी आपकी नहीं बनाई हुई है, किस जमाने में बनी थी। और मुझे खुशी है इस बात की कि चाहे हमने ब्रिटिश परंपरा को निभाया हो, आप छिपे नहीं हो, हमने घसीटना नहीं पड़ा हो, लेकिन नेता सदन जिसको जिस बिल्डिंग में बैठते हैं वो आजाद भारत में समाजवादियों की बनाई हुई है। अभी मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं कि टेबल बड़ी बजाई गई थी कि 3 लाख जाने कितना हजार करोड़ की सहमति हुई है। अध्यक्ष जी आप उस पद पर हैं, हम आपसे बहस नहीं करेंगे क्योंकि सच्चाई आप भी जानते हो, सच्चाई मैं भी जानता हूं।
और जो सदस्य बोल रहे हैं अध्यक्ष जी इनको कमरे में बुला करके बता देना। अध्यक्ष महोदय जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं मैं आपसे कहूंगा कि अपने कमरे में बुला करके उन्हें दिखा दीजिए तो शायद मेरी बात का यकीन न माने आपकी बात का यकीन मान जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मुझे खुशी इस बात की कि एक बहुत अनुभवी व्यक्ति और एक ऐसे अध्यक्ष का मुझे बधाई और धन्यवाद देने का मौका मिला है जो समय और आज की परिस्थितियों को समझते हैं। वो जानते हैं हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं, वो जानते हैं कि हमें कितने कठिन रास्ते आगे तय करने हैं। जिस प्रदेश में और जिस प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए हो उस प्रदेश का नौजवान अगर फांसी पर लटक जाए क्योंकि वो अपना कैरियर नहीं बना पाया शायद उससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। आज ही जब हम आपका स्वागत कर रहे हैं मुझे दुख है इस बात का, जब मैंने व्हाट्सएप खोला अखबारों को मैंने देखा तो मुझे वही तस्वीर नजर आई कि एक नौजवान को नौकरी नहीं मिली इसलिए वो फांसी के फंदे पर लटक गया। और जब कल मैं शपथ ले रहा था, शपथ लेकर के अध्यक्ष जी मैं जब वापस गया हूं तो मैंने देखा कि पेट्रोल पंप पर लूट करके एक गोली मार करके छीन करके ले गए। हमें और आपको सबको पूरे सदन को मिलकर के जहां लोकतंत्र को मजबूत करना है वहीं हमारी जिम्मेदारी ये बनती है अध्यक्ष महोदय आपके दिशा निर्देश में उत्तर प्रदेश कैसे खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर जाए। मैं आपको बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, एक ऐसे अध्यक्ष को पाया है जो हसमुख है, जो हम जैसा ही हंसता है, मुझे इस बात की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।